तो दोस्तों आज हो गई है 13 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी यूपी के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसानों से किए वादे से पलटी है केंद्र की मोदी सरकार, किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने को लेकर के हुआ सवाल, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया है ये जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किए गए किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने के बारे में संबंधित राज्य सरकारें निर्णय करेंगी, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का ही विषय है। इससे पहले यहां पर संसद के अंदर भी नरेंद्र सिंह तोमर ने एक ऐसा ही बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने का यहां पर राज्य सरकार ही निर्णय करेंगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों से वादा करके मोदी सरकार ने आंदोलन खत्म करवाया और अब अपने ही वादों से पलटती हुई नजर आ रही है मोदी सरकार, और इसको लेकर के पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी जारी कर रखी है कि अगर मोदी सरकार अपने वादों से पलटी तो 15 जनवरी से एक बार फिर से बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। और अब यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कह दिया है कि किसानों पर जो भी मामले दर्ज हैं वो यहां पर राज्य सरकारें ही वापस ले सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, किसानों के मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से आ गया है बीजेपी के सांसद वरुण गांधी, बोले अब एमएसपी कानून का वक्त आ गया है, प्राइवेट मेंबर बिल संसद के सामने रख के बोले मसौदा तैयार है। जी हां दोस्तों, किसानों से जुड़े मुद्दों पर उनके साथ खड़े रहने वाले बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को कई बार घेरा है। एक बार फिर से भाजपा के सांसद ने किसानों की मांग को अपना समर्थन दे दिया है। वरुण गांधी ने एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने वाला एक निजी विधेयक संसद को भेजा है। भाजपा के सांसद ने इस प्राइवेट बिल को लेकर के ट्वीट किया और कहा, किसान और सरकारें लंबे समय से कृषि संकट पर बहस कर रही हैं, अब एमएसपी पर कानून का समय आ गया है, मेरे मुताबिक कानून में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए इसको लेकर के मैंने एक मसौदा तैयार किया है और संसद में रखा है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने यहां पर एक बड़ा दांव चल दिया है और बीजेपी अब पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है एमएसपी के मुद्दे को लेकर के। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, यूपी के दिग्गज नेता हरिशंकर तिवारी के परिवार ने थामा है समाजवादी पार्टी का दामन, अखिलेश यादव ने दिलाई है सदस्यता। जी हां दोस्तों, पूर्वांचल की सियासत में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले कद्दावर नेता हरिशंकर तिवारी के परिवार ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में वहां सपा में शामिल हुए हैं, और यहां पर इसी के साथ ही सपा की पूर्वांचल में बड़े ब्राह्मण चेहरे की तलाश भी पूरी हो गई है, और यहां पर यह भाजपा के लिए एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, रामदेव ने जनरल विपिन रावत की मौत पर उठाए हैं सवाल। जी हां दोस्तों, रामदेव ने सीडीएस जनरल विपिन रावत की मौत पर सवाल उठाए हैं, इसके साथ ही इसे साजिश करार देते हुए जांच की मांग भी की है। पतंजलि में एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि विपिन रावत एक कुशल योद्धा थे और वह भारत रत्न पुरस्कार के हकदार भी हैं। इसके साथ ही रामदेव ने कहा है कि उन्होंने सुना है कि जिस तरह के हेलीकॉप्टर में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उड़ान भरते हैं उसी तरह के हेलीकॉप्टर में जनरल रावत सफर कर रहे थे, उनका खोना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, इस हादसे के रहस्य थोड़े दिनों में सामने आ ही जाएंगे, किसी भी देशवासी को इस हादसे पर यकीन नहीं हो रहा है, जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि रामदेव ने बिपिन रावत की मौत पर सवाल उठाए हैं और इसे एक साजिश करार दिया है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी बोले मैं हिंदू हूं, हिंदुत्ववादी नहीं, महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी। जी हां दोस्तों, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जयपुर में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। महंगाई हटाओ रैली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी
समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में दो शब्दों की टक्कर है, एक शब्द हिंदू है और एक हिंदुत्व। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी। इसके साथ ही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आगे कहा कि देश में 2014 से हिंदुत्ववादी सत्ता में है और हिंदू सत्ता से बाहर हैं। हमें इन हिंदुत्ववादियों को हटा करके हिंदुओं को सत्ता में लाना है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमें डराया नहीं जा सकता है, हम मौत से नहीं डरते हैं। हिंदुत्ववादी को सिर्फ सत्ता चाहिए, सत्य नहीं उनका रास्ता। सत्याग्रही नहीं बल्कि सत्ताग्रही है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार पर भड़के हैं राहुल गांधी। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कैराना महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत बोले, किसानों की ट्रेनिंग था, 13 माह का आंदोलन भविष्य में काम आएगी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के कैराना में हुई किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि 13 महीने तक चला किसान आंदोलन किसानों का प्रशिक्षण था, यह भविष्य में काम आएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार के पास यहाँ पर 2 महीने का समय है अपना काम करने के लिए, किसानों की समस्याओं पर काम करें, उनके भले के लिए कुछ काम करें। इसके साथ ही महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी आंदोलन यहां पर स्थगित किया गया है, किसानों की लड़ाई लगातार जारी है, अभी किसानों के कई मुद्दों पर लड़ाई जारी रहेगी। ये यहां पर कहना है राकेश टिकैत का कैराना महापंचायत में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी के उप मुख्यमंत्री पर जमीन हड़पने का आरोप इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मकान पर अवैध कब्जे के मामले में नोटिस जारी किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। यह आदेश जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश त्रिपाठी की खंडपीठ ने विष्णु मूर्ति त्रिपाठी की याचिका पर दिया है। इस याचिका में उप मुख्यमंत्री पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया था। याचिका में कहा गया था कि पुलिस ने केशव प्रसाद मौर्य की सह पर याचिके कालिंदीपुरम स्थित मकान पर कब्जा दिलवाया। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस पूरे मामले में। एक और बड़ी खबर बताते चले, अब कर्नाटक में लाया जाएगा धर्मांतरण विरोधी कानून। मुख्यमंत्री बोम्मई ने दिए हैं संकेत कांग्रेस का बिल के विरोध का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में राज्य में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संकेत दिया है कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक के मसौदे को राज्य कैबिनेट से अनुमति मिलने के बाद इसे यहां पर बेलगावी में विधानसभा के आगामी शीत सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है। सत्र 13 दिसंबर यानी कि आज से शुरू होने वाला है। और वहीं कांग्रेस ने इस बिल का विरोध करने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि यह बिल अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा है कि बिल का वह विरोध करेंगे जबरदस्त तरीके से। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट बताते चलें, बीजेपी विभाजनकारी है, ये शरद पवार ने 1996 में ही बता दिया था, लेकिन हम इसे 2019 में समझ पाए। शिवसेना की तरफ से बयान सामने निकल के आया है। शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने स्पष्ट तरीके से इस बात को स्वीकार करते हुए कहा है कि एनसीपी के नेता शरद पवार ने बीजेपी को 1996 में ही विभाजनकारी पार्टी करार दे दिया था, लेकिन शिवसेना को यह बात 2019 में समझ में आई। संजय राउत ने पवार को दूरदर्शी राजनेता करार देते हुए कहा है कि उन्होंने महाराष्ट्र और देश को एक दिशा दी है और लगभग 25 वर्ष पहले ही उन्होंने इस बात की चेतावनी दे दी थी कि बीजेपी की नीतियां विभाजनकारी हैं, जिसने देश की एकता को अवरुद्ध कर दिया था। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से भाजपा पर भड़के हैं शिवसेना के नेता संजय राउत। एक और बड़ी खबर बताते चलें, महंगाई हटाओ रैली में प्रियंका गांधी का बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला, कहा केंद्र में बैठी है झूठ की सरकार। जी हां दोस्तों, राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली आयोजित हुई। रैली को कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च कर रही है, लेकिन वही सरकार
किसानों को खाद नहीं दिला पा रही है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि रैली में आप लोग इसलिए आए हैं क्योंकि महंगाई की वजह से आपका जीना मुश्किल हो गया है। आप यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि रसोई का सिलेंडर 1,000 रुपए का हो गया है। और वहीं प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये केंद्र की सरकार सिर्फ यहां पर गिने चुने उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रही है। कांग्रेस महासचिव ने आगे कहा है कि बीजेपी चुनाव आते ही चीन पाकिस्तान की बात करेगी, किसी और देश की बात करेगी, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेगी, महंगाई की बात नहीं करेगी ये सरकार। ये यहां पर जबरदस्त तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को और यूपी की योगी सरकार को निशाने पर लिया है प्रियंका गांधी ने। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यू एंड वीडीबी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।